बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कयामत के दिन औरतों से दूसरा सवाल किस चीज़ का किया जाएगा? सही जवाब है, कयामत के दिन औरतों से नमाज के बाद दूसरा सवाल उनके शोहर के साथ सलूक का किया जाएगा। कौन से दो लोगों की अजान ख्वाब में सिखाई गई? सही जवाब है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत अब्दुल्ला बिन जैन बिन अब्दर को ख्वाब में अजान की तालीम हुई। अरब में मौजूद कौन सा दरख्त है जिसकी लकड़ी से आग और पानी दोनों एक साथ निकलते हैं? दोस्तों, सही जवाब है, अरब के जंगलों में मौजूद मुरख और आफार नामी दो ऐसे दरख्त हैं जिनकी शाखों को आपस में रगड़ा जाए तो पानी और आग दोनों निकलते हैं। जिसके गुनाह और नेकियां बराबर होंगी उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा? सही जवाब है, वो आराफ में रहेंगे। ये जन्नत और दोजख के दरमियान एक जगह का नाम है। रोजे महशर हर शय के मुतल्लक कितने और कौन कौन से सवाल होंगे? सही जवाब है, नंबर एक, तुमने ये चीज किस तरह हासिल की? नंबर दो, इसे कहाँ खर्च किया? नंबर तीन, किस नीयत से खर्च किया? दो भाइयों की दो बहनों से शादी हुई और शादी की रात दोनों की दुल्हन आपस में तब्दील हो गई। अब बताएं ऐसा क्या करें कि निकाह जायज हो जाए? सही जवाब है, जब ये मामला इमाम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हो के सामने पेश किया गया तो आपने दोनों लड़कों को बुलाया और पूछा कि क्या तुम्हें वो लड़की पसंद है जिसके साथ तुमने रात गुजारी? तो दोनों ने कहा, हाँ हमें पसंद है। ये सुनकर आप रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि तुम दोनों इस बीवी को तलाक दे दो जिनसे पहले निकाह हुआ और उनसे निकाह कर लो जो रात को तुम्हारे साथ रही।